मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस द्वारा जहां एक ओर चेकिंग अभियान को तेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसात्मक पहनावे पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इसी के चलते धारदार हथियार और हाथों में पहने जाने वाले कड़े को लेकर भी हिदायत देते हुए कई युवाओं से कड़े उतराए गए। दरअसल देखा जाता है कि कई विवादों में हाथों में पहने हुए धारदार कड़ों का उपयोग कर गंभीर चोटें युवाओं द्वारा एक दूसरे को पहुंचाई जाती हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा अब हिंसात्मक रूप से लिखे हुए स्लोगन सहित लोहे के कड़ों पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आजाद नगर SCP आशीष पटेल का कहना है कि लोहे के कड़े बनाने वाले कई कारीगरों को चिन्हित किया गया था और उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि लोहे के कड़ों में धारदार न करते हुए उसे पर हिंसात्मक स्लोगन और डिजाइन न बनाएं, जिसके कारण युवाओं में हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और इसलिए इस तरह के लोहे के कड़े पहनने पर पुलिस ने आपत्ति ली है और कई युवाओं से इस तरह के लोहे के कड़े भी उतराए गए हैं और निर्माण करने वालों को हिदायत दी गई है। देखिए, थाना आजाद नगर क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है तो ऐसे में कुछ युवकों द्वारा हाथ में एक अजीब प्रकार के कड़े पहन रहे हैं जिनमें धारी बनी हुई है और जिनसे किसी पर भी हमला भी किया जा सकता है। इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी को और सभी बीट प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि इस प्रकार के जितने भी दुकान हैं जो इस प्रकार के कड़े सेल करते हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें, उन पर नकेल कसी जाए। जैसा हम सभी को निर्देशित किया गया आदरणीय CP सर द्वारा और DCP साहब द्वारा भी, कि जितने भी हिंसात्मक प्रवृत्ति के जो लोग इस प्रकार से चाकूबाजी और इस प्रकार के हमले करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है। इसी तारतम्य में हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार के जो भी कड़े पहनते हैं और जो बनाते हैं, इन सभी पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, माना जाए कि पुलिस की सख्ती के बाद हथियार नहीं रखते हुए कड़े को धारण में बना के पहनते और हमला करना, ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से इसे हम हिंसात्मक प्रवृत्ति से जोड़ेंगे, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं और नई उम्र के लड़के अभी जो इस टाइप से प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिनमें इसको फैशन के नाम पर अगर हम कहें तो पहनते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है इससे हमले भी कर देते हैं और आसानी से किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने इनको जो बेच रहे हैं और जो पहन रहे हैं सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पर अभी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हमने प्रारंभ की है और आवश्यकता पड़ने पर इन पर गंभीर धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी ये देखने में आया कि कुछ जो लोहे से बने हुए कड़े हैं उनमें राइफल बने हुए हैं और ऐसे हिंसात्मक स्लोगन उसमें लिखे हुए हैं जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिल सके। तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा नकेल कसी जा सके और इनको रोका जा सके। कड़े जब्त किए, कितने आरोपी? अभी हमने लगभग 2 से 3 दुकानदारों को इसमें बुलाया था और उनको सख्त हिदायत दी थी इस प्रकार से किसी प्रकार का सामान ना वो खरीदेंगे ना बेचेंगे, और उनसे भी ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि वो लोग कहाँ पर ये बनते हैं और कहाँ से वो परचेस करते हैं। तो जहाँ पर इनका सोर्स पॉइंट होगा हम उसको भी बंद करवाने की कोशिश करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।